उत्तराखंड के चंपावत से एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। पड़ोस के गांव में यहां रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहा परिवार, जिसको जंगल में मधुमक्खियों ने अपना शिकार बनाया। हमले में 2.5 साल के एक मासूम की मौत हो गई, वो जंगल में खाई में पड़ा मिला। कोट केंद्री के गणेश श्याम का परिवार बृहस्पतिवार को जंगल के रास्ते पड़ोस के गांव बास बरकूम जा रहा था। बताया जा रहा है कि वहां गणेश के साले की शादी थी। रास्ते में अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। गणेश श्याम और उसकी पत्नी पार्वती 6 महीने की बेटी को लेकर किसी तरह से बच निकले, लेकिन 19 साल का भतीजा मनोज उनके 2.5 साल के बेटे कार्तिक को लेकर दूसरी दिशा की ओर भाग गया। मधुमक्खियां पीछे पड़ी तो वो कार्तिक को जंगल में छोड़कर SSB की खेत ब्यूरी BOP पहुंच गया। वहां वो बेहोश हो गया। उप जिला अस्पताल में इलाज के बाद देर शाम होश आने पर उसने कार्तिक के बारे में बताया तो अफरा तफरी मच गई। परिजनों के साथ पुलिस और SDRF की टीम फौरन रेस्क्यू में जुट गई। जंगल में खोजने के बाद सुबह कार्तिक की खाई में अचेत अवस्था में पड़ा मिला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को मधुमक्खियों ने काटा था, इसके अलावा उसके सिर पर भी चोट थी। ये कहा जा रहा है कि मधुमक्खियों के हमले से जान गंवाने वाले कार्तिक के जंगल में छूटे होने का समय पर पता चल जाता तो उसकी जान बच जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।